नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में, और बात करेंगे कि यह सूचकांक कैसे नापा जाता है, क्या है, और भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है। इस सूचकांक से क्या उद्देश्य है इस सूचकांक का, और चिंताएँ क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। जैसा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा GFS सूचकांक 2021 में 113 देशों की सूची में भारत का 71वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों में सूची में भारत का 71वां स्थान है। इससे पूर्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। वैसे खाद्य मतलब 71वें स्थान पे खाद्य सुरक्षा जो है भारत का अच्छे स्थिति में है तब भी, बल्कि भूखमरी सूचकांक की अपेक्षा, जबकि भूखमरी सूचकांक 101वें स्थान पर भारत था। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, इसका विकास कैसे किया जाता है। तो GFS सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस सूचकांक को लंदन में स्थित एक कंपनी है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट इसको डिजाइन की है, और कार्टेवा एग्री साइंस इसको स्पॉन्सरशिप प्रायोजित करती है। वर्ष 2021 में जारी GFS सूचकांक का 10वां संस्करण है। इस सूचकांक को प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, मतलब यह सूचकांक 2012 से शुरू हुआ है और यह 10वां संस्करण है। इसको हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस सूचकांक का मापन कैसे किया जाता है। तो यह निम्नलिखित के आधार पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों को मापता है। पहला है सामर्थ्य, दूसरा है उपलब्धता, मतलब कितना खाद्य आपके पास मौजूद है और उससे कितने लोगों का पेट भरने का सामर्थ्य है। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक नापा जाता है। अब आते हैं गुणवत्ता और सुरक्षा पर। तो प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन, यह आय और आर्थिक असमानता सहित 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेत को का आकलन करता है। वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में जीरो हंगर की दिशा में प्रगति की तीव्र गति प्रदान करने के लिए प्रणाली के तंत्राल और आवश्यक कार्यों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। मतलब इसका जो है प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन लाना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र का प्रयास है कि 2030 तक पूरी दुनिया जीरो हंगर, मतलब कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम। भारत और विश्व के किन कौन कौन से देश, विश्व के मुख्य कौन कौन से देश किस स्थान पे हैं। तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस तथा अमेरिका ने सूचकांक में 77.8 और 80 अंकों की सीमा में समग्र GFS स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मतलब पहले स्थान पर है आयरलैंड, दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, इसके बाद क्रम आता रहता है, जो 77.8 और 80 अंक के बीच में स्थान प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं भारत के स्थान पे। अभी तो लगभग सब विकसित देश ही थे, अब भारत की क्या स्थिति है। तो 113 देशों के GFS सूचकांक 2021 में भारत 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वें स्थान पर है। भारत 71वें स्थान पर है, इसका स्कोर कितना है, 57.2। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश की तुलना करते हैं इस सूचकांक में कौन से किस स्थान पे है। तो इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, पाकिस्तान 75वें स्थान, श्रीलंका 77वें स्थान, नेपाल 79वें स्थान और बांग्लादेश 84वें स्थान से बेहतर है, लेकिन यह चीन 34 स्थान से पीछे है। मतलब भारत अपने पड़ोसी देशों से खाद्य सुरक्षा के मामले में, उपलब्धता के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन भूख के मामले में काफ़ी पीछे है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से काफ़ी कम रही है, तब भी खाद्य सुरक्षा में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन अगर हम पिछले 10 वर्षों में वृद्धि की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भारत की अपेक्षा किया है। भारत का स्कोर केवल 2.7 अंक बढ़कर वर्ष 2021 में 57.2 हो गया, जो वर्ष 2012 में 54.5 था, या पाकिस्तान की तुलना में 9 अंक, 2021 में 54.7
और 2012 में पता है 7 अधिक था। मतलब भारत सिर्फ 2012 से मतलब पहले संस्करण से सिर्फ अभी तक कितना 2.7 अंक ही आगे बढ़ पाया है, और वहीं पर पाकिस्तान 9 अंक बढ़ चुका है। मतलब पाकिस्तान काफ़ी अच्छे स्थिति में जा रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी में पाकिस्तान ने भारत से बेहतर स्कोर किया है, जबकि श्रीलंका इस श्रेणी में पहले से ही बेहतर स्थिति में है। शेष 3 बिंदुओं पर भारत ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर स्कोर किए हैं। फूड अफोर्डेबिलिटी मतलब खाना को उपलब्ध कराने में पाकिस्तान ने भारत से बेहतर किया है, जबकि श्रीलंका हमेशा करता रहता है। अब हम चिंताओं को देखते हैं, मतलब इस सूचकांक से कौन सी परेशानियाँ प्रस्तुत होती हैं। तो वर्ष 2030 तक जीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के सतत विकास लक्ष्य की दिशा में 7 वर्षों की प्रगति के बाद लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है, जबकि देशों ने पिछले 10 वर्षों में खाद्य असुरक्षा को दूर करने की दिशा में पूर्ण प्रगति की है। मतलब पिछले 10 वर्षों में जब से सूचकांक जारी हुए हैं सभी देशों ने बहुत सारे प्रयास किए, उसके बावजूद खाद्य असुरक्षा में बढ़ी है। मतलब खाद्य सुरक्षा कम हुई है, खाद्य असुरक्षा बढ़ी है। खाद्य प्रणाली आर्थिक, जलवायु और भू राजनीतिक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। अब सुझाव क्या है? भूख और कुपोषण को समाप्त करने तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की जानी अनिवार्य है। वर्तमान और उभरती भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा में निवेश के साथ साथ जलवायु अनुकूल फसल पैदावार में नवाचार से लेकर सबसे कमजोर लोगों की सहायता हेतु योजनाओं में निवेश को जारी रखा जाए। अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या पहले की गई हैं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो पहला है इट राइट इंडिया मूवमेंट, दूसरा है पोषण अभियान, फूड फोर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013, एकीकृत बाल विकास योजनाएँ सेवाएँ ICDS, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिस्टेंटल एग्रीकल्चर निक्रा, ये सब योजनाएं सरकार द्वारा की गई हैं सूचकांक में ऊपर आने के लिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।